रहा आपका होटल सफर। आज 30 सितंबर है और आज हम लोग अभी बेथलहम से निकल रहे हैं बेथलहम टूर के लिए। होटल से जस्ट निकले हैं। अच्छा होटल, वाह, हमारा शेफर्ड होटल है। ओके, और ये हमारा बस, इसमें से हम लोग जा रहे हैं नफर। अच्छा टूर। अच्छा, हम लोग कौन से जा रहे हैं? हम लोग आज दार्सी और फादर लोग, हम लोग सब मिल करके तैयार हो चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं, आज दर्शन करेंगे बेथलहम और जेरूसलम, ओल्ड जेरूसलम मिला के। तो जेरूसलम का हम लोग सैर करेंगे और दर्शन करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज का दिन कितना, अभी टाइम कितना हो रहा है? 7:07। या तो 7:07 हैं सुबह का, और हम लोग शेफर्ड होटल से चल पड़े। ये है हमारा बस, लगातार जब तक होटल में रहेंगे यही सेवा करेगा। तो चलिए, सी यू, ऑल द बेस्ट, बाय। आपको बता दूं एक और चीज़, ठीक बगल में तो यहाँ बेथलहम नेटिविटी चर्च है, सिर्फ 5-7 मिनट का दूरी है। हम लोग जो फील्ड है वो भी इधर ही है सामने। तो हाँ, चर्च ऑफ नेटिविटी देख रहे हैं, तो हार्डली यही है। और पैदल तो इसलिए 5 मिनट पहुँच जाते हैं यहाँ से निकल रहे थे, सीट गर्म होगा उतर जाएंगे। हाँ चले। We know that Lord Jesus, when he was coming from the north, from Galilee to Jerusalem, he wasn't welcome. जैतून पर्वत का से तो देखने के लिए जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि जैतून पर्वत विशेष स्थान है। जब यीशु ख्रीस्त नाजरत से चाहे काना से जेरूसलम आते थे, तो जेरूसलम वाले उनको ग्रहण नहीं करते थे, क्योंकि जेरूसलम वाले एक बहुत ही अपने आप में खोए हुए व्यक्ति हुआ करते थे, और इसलिए उनको ग्रहण नहीं करते थे। इसलिए वे उन्होंने जगह चुन करके अपने शिष्यों के साथ वहाँ जाया करते थे। After that, we have visit to other church. Over there, we can find rest in the washing room. अभी तो हम लोग जाएंगे वहाँ, वह चर्च हम लोगों का चर्च नहीं, हमारे मोहम्मदन भाइयों का चर्च है, इसलिए वहाँ पर हम लोग केवल प्रार्थना करेंगे, और डोनेशन के तौर पर कुछ भी डोनेशन या पैसा हम लोग नहीं देंगे। हमारे गाइड वहाँ पर कुछ देना होगा तो वे स्वयं ही उसको देंगे। ओके, और फादर चर्च जहाँ पर यीशु ख्रीस्त हे पिता हमारी की प्रार्थना को सिखलाए, और दूसरा है जहाँ से वे स्वर्ग चले गए, स्वर्गारोहण जहाँ पर से हुआ, और अन्य चर्चेस भी हैं। वो आज हम लोग यहाँ तेरे समक्ष पहुँचे, दिन भर को हम तेरे समक्ष रखते हैं, दिन भर में हमारी रक्षा कर, तो हमारे साथ रह, हम तेरी प्रशंसा के लिए, तेरी महिमा के लिए हम तेरे समक्ष उपस्थित होते हैं। तो हम सबों के साथ रह, और दिन भर के काम में हमें सफलता प्रदान कर, हम सबों को सुरक्षित रख, स्वस्थ रख, और हम सबों को ऐसे परिस्थिति वातावरण प्रदान कर कि हम तुझे याद करें, तेरे कामों को याद करें, और तेरी शिक्षा को याद करते हैं, उसको तुझ पर चलने का प्रयास हम करते रहे। और इसी के साथ ही हम दिन को तुझे अर्पित करते हैं, रात्रि के अच्छे आराम के लिए, अच्छे दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरा धन्यवाद हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी महिमा हो, और इसी तेरी प्रशंसा और महिमा के साथ ही अब दिन हम तुझे प्रारंभ करते हैं। इसी के साथ ही हम तेरी सिखाई हुई प्रार्थना एक बार चढ़ाते हैं। हे हमारे पिता, इसी के साथ ही हम तेरे क्रूस के चिन्ह के साथ इस दिन को तुझे समर्पित करते हैं, पिता और पुत्र और पुत्र आत्मा के नाम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग, आपको फिर से स्वागत करते हैं आपके चैनल विमल प्रकाश में। तो आज हम लोग जेरूसलम में आ गए हैं, कल ही रात को हम लोग बेथलहम पहुँचे हैं, और हम लोग आपको दिखाएंगे
कि आज है पिता हमारे जो विनती है प्रार्थना वो ये यहीं पर सिखाए हैं। ये देखिए तो हम लोग ये देखने के लिए यहाँ आए हैं कि हम लोग का है पिता हमारे यहीं पर सिखाया गया था। हाँ दीदी यहीं रुकेंगे, वो लोग आएंगे। हाँ वो तुरंत हो जाता है, वो जगह है कुछ नहीं कर, वो कौन देखा है कौन जानता है दीदी। और कम से कम आज आपके साथ मौका मिलेगा कि नहीं तो आदमी लोग बोलेगा आई तुमको फोटो में नहीं आ रही दीदी। वो तो बड़ी बेटी सब कहाँ छिपल रहती है, डाला है दिख नहीं करते हैं। आज हम वीडियो डाले हैं उसको देखेंगे, देख रहा है सब देख रहा है कहाँ छिपल रहती है तुम। थोड़ा आगे रहिए ना, ऐसे बोलती है। ओके तो ये जगह है जहाँ प्रभु हे पिता हमारे सिखाया था प्रार्थना। अच्छा, हाँ अपना शिष्य लोग को सिखा रहा था तो हम लोग सीख गए। तो ये देखिए सब भाषा में, वो दीवार सब में देखे सब लिखा हुआ है एकदम, यहीं पर सिखाया था। तो ये है और आइए आपको हम नीचे दिखाते हैं, आइए। ओ अच्छा हाँ, वहाँ है प्रभु जो स्वर्ग ग्रहण हुआ था। हाँ। वही स्वर्ग ग्रहण वहाँ हुआ है, यानी सीधे स्वर्ग में उठा लिए जाते हैं प्रभु, वही जगह था। तो उस जगह पैर का चाम सब है। हाँ पैर का चाम है, अच्छा छाप है। और उसके बाद में जब वो पुनर्जीवित होकर के बुद्ध वहाँ तबका में दिखाई दिए थे झील के किनारे, तो वहाँ पर दर्शन देकर के यही सब बोल रहे थे कि चलो तो मछली उछली खाए क्या क्या कर लिए अपने शिष्यों के साथ में। आइए तो दिखाते हैं। हम लोग तो आते हैं ना हर बार आते हैं, तो वो जो बाहर हम लोग देखे वो जगह तो हम लोग अभी देखते हैं, लेकिन वास्तव में प्रभु ने सब जगह का परिचय किया था कि ये सब अभी ना बिल्डिंग बना दिया ऊपर ऊपर, तो यही जगह है अपने बैठ करके चट्टान सब में रेप हमारे सिखाएंगे देते थे। हाँ वही यही जगह है, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और पिता हमारे बोलते हैं उनकी आदर में। तो गाइस आप लोगों को भी दिखाना चाहते हैं, दीदी को दिखा दिए। तो ये सब जगह है पुराना पुराना जगह है यहाँ पर। हाँ सर सभी एकदम सब अपनी ही जीवित है, क्योंकि ये पूरा पहाड़ है ना ऊपर दीजिए बाहर। हाँ ऊपर गिर जाओ ना गया, तो सुरक्षित रखने का बहाना हो गया। अच्छा सर तो नहीं है ना, वास्तव में शुरुआत में गुफा ही था इधर, और जो अभी किसी तरह से किसी तरह से गिरना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी टेका दे दिया है। आगे आगे उलो उलो पहुंचा। अच्छा यार ठीक है, तो यही सब जगह है और दुनिया भर के सब भाषा में लिखा है हे पिता हमारे ये दीवार में हम लोग, लेकिन आज तक हमको हिंदी नहीं मिला। इंग्लिश और दूसरा भाषा में है लेकिन मिलेगा पर खोज नहीं सके हम। हिंदी लिखा है कहीं ना कहीं है पर खोज नहीं पाए। तो गाइस ये जगह है हे पिता हमारे सिखाए थे प्रभु अपने शिष्यों को, तो सारा दुनिया आज उस प्रार्थना को बोलता है। ये टाइल्स में नहीं है, ये ना मार्बल में लिखा है पिता हमारे। हम लोग साथ में जाएंगे। एवरी ग्रुप एंड जनरल वी विल गैदर आवरसेल्फ एंड गो इनसाइड दिस केव
Okay, and we pray together our Lord in the heaven. हाँ जैतून पहाड़ है ये उसी में ही आता है फर्स्ट मतलब ये फिर हमारे हाँ सबसे पहले हाँ ओके हिंदी में भी एक हिंदी में हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जाए तेरा राज्य आए तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे पाप क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपने पापों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में ना डाल बल्कि से बचा आमीन Thank you. God bless you. And now we are going back to the exit of the place. Okay? We follow me. Baseline gonna make man shut up. आइए दादा आइए इधर इधर इधर